नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। गंगापुरी रोड पर दोस्त के घर पर युवक की हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने लगाए दोस्त पर हत्या के आरोप। थाना चांदनी बाग पुलिस कर रही है मामले की जांच। सनोली रोड पर शराब के ठेके पर बियर की दो बोतलों के 30 रुपए ज्यादा मांगने को लेकर कोटन व्यवसायी और सेल्समैन की हुई आपसी कहासुनी, जिसके बाद शराब ठेकेदार ने बाइक सवार व्यवसायी और उसके साथी को कुचलाकार से मामला हुआ दर्ज। गढ़ी सिकंदरपुर गांव के एक किसान के खेत में अधेड़ व्यक्ति ने फांसी का फंदा लगाकर दी जान। थाना पुराना औद्योगिक को दी गई शिकायत, शव की नहीं हो पाई शिनाख्त। पानीपत जिले में बढ़ते कोरोना के केस, फिर मिले कोरोना के 2 नए पॉजिटिव केस। उधर लैब में लगे 16 कर्मचारियों को किया गया कार्यमुक्त। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा पहुंचे अपने पैतृक गांव खंडरा में। नीरज चोपड़ा को गांव वालों ने बताई समस्याएं, तो डीसी से किया विचार विमर्श नीरज चोपड़ा ने, जिसके बाद डीसी ने लगाया गांव में खुला दरबार। सीवर लाइन मेन होल हादसे में मारे गए सफाई कर्मियों के परिजनों से मिलेंगी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष अंजना पवार। थाना किला पुलिस की टीम ने देवी मंदिर के पास चोरी की हुई बाइक सहित एक आरोपी को किया गिरफ्तार। शराब तस्करों के खिलाफ जिला पुलिस का अभियान लगातार जारी, अलग अलग स्थानों से 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। 60 बोतल अवैध अंग्रेजी व देसी शराब की भी की गई बरामद। पानीपत में आईपीएल पर सट्टा लगाते हुए 4 युवकों को किया गया गिरफ्तार। जीटी रोड पर एक होटल में सिटी थाना पुलिस ने मारी रेड, कैश व अन्य सामान भी किया गया युवकों से बरामद। शहर को कैटल फ्री करने का अभियान एक बार फिर रुक गया, जिसकी वजह से फिर से सड़कों पर दिखने लगे गोवंश। हादसों की आशंका से परेशान है आमजन। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, ताजा अपडेट के लिए जुड़ रहे वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। Colors to your loving, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. By Sanskrit School, a better place, a better world. By Sanskrit School, sapno se behtar kal. By Sanskrit School, add colors to your learning. Sanskriti School, your life will be